चलो लेट्स स्टार्ट। सो टुडे वी विल डू डिस्पर्शन। हम लोग सेंट्रल टेंडेंसी ऑलरेडी कर लिए हैं। तो सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता था, वी वुड कैलकुलेट अ पर्टिकुलर वैल्यू विच वुड रिप्रेजेंट द इंटायर डेटा सेट, राइट? इट वॉज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंटायर डेटा सेट। एंड उसको हम लोग बोलते थे कि अगर कोई आपसे पूछेगा आपके डेटा के बारे में, देन यू विल गिव एनी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी सो दैट दे गेट एन आइडिया। बट उसमें एक प्रॉब्लम होते हैं, हम लोग कल देखे थे कि जो मीन था वो चेंज हो रहा था, बिकॉज इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे कितना वैल्यूज प्लेस कर रहे हो, मतलब जो स्प्रेड है डेटा का, दैट वॉजंट बीइंग इनकॉर्पोरेटेड इन एनी ऑफ द मेजर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर नंबर्स है 3, 4, 5, 5, 6 एंड लेट्स से 7, और एक और सेट है 0, 1, 3, 8, 8 एंड 10। ये दोनों का अगर हम लोग मीन निकालें तो दोनों का मीन आएगा 5। कैलकुलेट करके देख लो, दोनों का मीन 5 आएगा। बट देर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन बोथ द सेट्स। दोनों डेटा में कितना डिफरेंस है, बिकॉज ये जो है ये बहुत जो फर्स्ट डेटा सेट है दैट इज वेरी कॉन्सेंट्रेटेड नियर 5, मतलब मैक्सिमम 5 के जस्ट 2 यूनिट्स प्लस माइनस हो रहे हैं। बट जो सेकेंड डेटा सेट है वो प्लस माइनस 5 यूनिट्स हो रहे हैं, विच मीन्स कि अगर आपको कोई पूछेगा दोनों के बारे में तो आप दोनों का अगर सीधा सेंट्रल टेंडेंसी बोल दो, यू विल से 5। बट उससे जो सामने वाला है उस दे विल नॉट नो कि 5 तो है बट कितना स्प्रेड अक्रॉस 5 है। 5 इज जस्ट द सेंट्रल पॉइंट, ये सेंट्रल पॉइंट है, इसके कितना दूर है या कितने पास है। फॉर दिस वी यूज मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। डिस्पर्शन वर्ड से समझ आता है, वॉट डज द वर्ड डिस्पर्शन मीन इन जनरल लैंग्वेज ऑल्सो, कि कितना डिस्पर्स है, कितना स्प्रेड आउट है। तो दैट्स वॉट वी कैलकुलेट इन डिस्पर्शन। तो द फर्स्ट एंड सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन इज द रेंज। रेंज क्या होता है कि किस रेंज में है। यूजुअली वी से कोई भी अगर हम लोग शॉपिंग करने जाएंगे तो वी आस्क द शॉपकीपर कि ये आइटम कितना किस रेंज में है। तो इट बेसिकली गिव्स यू एन आइडिया और अ रिलेशन बिटवीन द मिनिमम मैक्सिमम, कि कितना मिनिमम हो सकता है इसका प्राइस एंड कितना मैक्सिमम हो सकता है इसका प्राइस, दैट इज़ वॉट रेंज इज। बट जो एक्चुअल वैल्यू होगा या फिर जो मीन होगा वो उस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कहीं पर होगा। तो रेंज इज एग्जैक्टली दैट, जो भी डेटा होता है उसका मैक्सिमम माइनस उसका मिनिमम इज द रेंज, ठीक है? दैट इज इट, रेंज बस उतना ही होता है। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू इन आर डेटा माइनस द मिनिमम वैल्यू इन आर डेटा। अब एक चीज़ है इसमें क्या होगा, रेंज में इट डज नॉट कंसिडर अगेन कि बीच में कितना वैल्यूज है। मान लो अगर 12, 12, 15, 20, 45, 100, तो इसका रेंज कितना आ रहा है, रेंज विल बी 100 माइनस 12। तो क्या हो रहा है, रेंज इज 88। अब ये रेंज क्या बोलेगा, अगर आई विल से 88 का रेंज है, मतलब कि 88 वैल्यूज के अक्रॉस स्प्रेड किया हुआ है हम लोग का डेटा। बट इसमें ये नहीं पता चल रहा है कि 88 वैल्यूज में से अब देखो मोर देन हाफ द वैल्यूज आर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लोअर हाफ, वाइल द रेस्ट ऑफ द जस्ट 2 वैल्यूज आर इवन अबव द सेकेंड हाफ, मतलब जो मिड पॉइंट है उसके ऊपर हार्डली 2 वैल्यूज है। तो इसीलिए दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ रेंज, कि वो इवन दो इट गिव्स अस एन अप्रॉक्स आइडिया कि कितना डिस्पर्स्ड डेटा है, बट इट डज नॉट गिव अ वेरी एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द एक्चुअल थिंग, ठीक है? नाउ सपोज ये तो हो गया रॉ डेटा का कैसे रेंज निकालते हैं। इफ आई गिव यू अ फ्रीक्वेंसी टेबल, तो इसका रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे, कोई ट्राई करना चाहेगा कि इसका रेंज क्या होगा? हम कर्ली ब्रैकेट्स लगा के
बोलो कितना होगा? 9 माइनस 4 नाइन माइनस फोर, वाई नॉट सेवन माइनस वन? वाई नॉट सेवन माइनस वन? हम एक्स ही देखते हैं। हम लोग हमेशा एक्स वैल्यूज में डील करते हैं। फ्रीक्वेंसी इज ओनली टू एड अस, बट एक्चुअल में एक्स वैल्यूज से ही हम लोग को मतलब है। एक सेकेंड। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, फ्रीक्वेंसी का रेंज नहीं चाहिए हम लोग को, हम लोग को चाहिए कि जो एक्चुअल हम लोग का डेटा है उसका क्या रेंज है, राइट? क्योंकि इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो 4 7 7, 7 बार 9, 6 6 6, ऐसे आएगा हम लोग का डेटा। तो हम लोग का रेंज तो एक्चुअल में 9 माइनस 4 ही होगा। तो इसीलिए अगेन बी श्योर कि आप लोग अगर कभी भी एग्जाम में या कहीं भी रेंज कैलकुलेट करने जाओ, देन डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ टेकिंग द मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। इट इज़ द मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्स वैल्यू। रेंज में फ्रीक्वेंसी डज नॉट प्ले एनी रोल। अगर फ्रीक्वेंसी 1 भी है तो भी वो अमाउंट रेंज में आएगा। लेट्स से अगर ये 1 है तो हो सकता है कि 4 जो है वो नेग्लिजिबल है। जहाँ पे 7 टाइम्स 9 आ रहे हैं, 4 सिर्फ एक बार आ रहा है, बट फिर भी इट इज़ अ पार्ट ऑफ आर डेटा, विच मीन्स इट इज़ द मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो इसीलिए ये रेंज का यू हैव टू कीप इन माइंड। अब एक स्पेशल टाइप का रेंज होता है, विच इज दी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज करने के पहले वी हैव टू नो व्हाट इज़ अ क्वार्टाइल। कल हम लोग सब किए थे मीडियन। मीडियन क्या होता था? इट वाज़ द पोजिशनल मिडिल वैल्यू, पोजिशनल वैल्यू ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मीडियन का ही एक पार्ट होता है क्वार्टाइल। पार्ट मतलब इट्स अ सिमिलर कॉन्सेप्ट। मीडियन में जो हम लोग वैल्यू निकालते थे वो क्या होता, मीडियन में जो हम लोग वैल्यू निकालते थे वो